अब हम लोग बच्चों एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इस टॉपिक को हम लोगों को देखना था कहाँ पे, जब हम लोग जाइलम और फ्लोएम डिस्कशन कर रहे थे। तो जाइलम में ट्रैकिड और वेसल्स टर्म आया, और ट्रैकिड में हमने कहा था कि ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होगा। जाइलम की जब बात कर रहे थे उसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स पाया जाएगा। तो ट्रैकिड और वेसल्स कर क्या रहा था, ये वाटर को कंडक्ट कर रहा था। अब एक पाइप के बारे में सोचो, एक प्लास्टिक की पाइप ले लो और सोचो इससे हमको पानी कैरी करना है। पानी कैरी करने के लिए एक हमने प्लास्टिक का पाइप खरीदा और घर पे जब लेके आए तो जो मिस्त्री हमारे यहाँ काम कर रहा है ना, वो बोला कि सर ये पाइप बहुत कमजोर है, आप पाइप को मजबूत करने के लिए वो क्या क्या कर रहा था इसी को देखते हैं। तो ये पाइप लाइक ट्रैकेट दिखा रहे हैं, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा। किस किस तरह से लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो यही हमको बताएगा कि वो पाइप कितना ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो हमने लिखा प्रोटोजाइलम और फिर हमने लिखा मेटाजाइलम। ये दोनों नाम से तुमको ये समझ में आ गया कि मेटाजाइलम लार्जर डायमीटर वाला जाइलम है। नेचुरली ज्यादा से ज्यादा पानी को ये क्या करेगा, कैरी करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को ये कैरी करेगा। प्रोटोजाइलम स्मॉलर डायमीटर वाला है, इसीलिए ये कम पानी को कैरी करेगा। तो जो ज्यादा पानी को कैरी करेगा उसको ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है ना, और जो कम पानी को कैरी करेगा उसको भी मजबूत तो होने की जरूरत है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो थोड़ा कम मजबूत भी है तो काम चलेगा। और ये मजबूती कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने कहा कि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन के डिपोजिशन से ये जो वेसल्स और ट्रैकिड्स जो हो गए ये ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो अब एक प्लास्टिक के पाइप को ले लो और इसमें रिंग लाइक तीन चार लोहे का रिंग जगह जगह पे लगा दो। एक नॉर्मल पाइप में जब हम लोहे का रिंग लगा दिए तीन चार जगह पे तो वो क्या हो गया, पहले के पाइप के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत हो गया। वही ये नहीं बच्चों, सोचो जरा सा, एक पाइप लिए हैं, प्लास्टिक की पाइप लिए हैं, एक बच्चे के पास एक नॉर्मल पाइप है प्लास्टिक की और एक बच्चे के पास एक उसी पाइप में जगह जगह पे लोहे के तार से रिंग लगाया हुआ है। तुम बना के देखो, बाहर से लगा तो लोहे का रिंग, तो ये रिंग वाला जो थिकनिंग होगा, तो प्लांट भी क्या किया, प्लांट में भी उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से लिग्निन का डिपोजिशन हो गया रिंग लाइक फैशन में। जब रिंग लाइक फैशन में ये डिपोजिशन होता है लिग्निन का, तब इस थिकनिंग को, ये टॉपिक हम लोग का वेरियस काइंड्स ऑफ थिकनिंग, वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग हम लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक के रूप में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये रिंग लाइक थिकनिंग के को हम लोग कहते हैं एनुलर। एनुलर शब्द का मतलब होता है रिंग लाइक। तो लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन ए रिंग लाइक मैनर। अभी ये जितना मजबूत है इससे भी ज्यादा ये मजबूत हो जाता अगर इसको हम लोग जोड़ते चले जाएं, ये रिंग लाइक इस दोनों को जोड़ दिए, ये रिंग लाइक फिर इसको जोड़ दिए, तो अगर दो रिंग लाइक तीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बीच बीच के प्लेस को भी जोड़ते चले जाएं तो ये देखने में हेलिक्स के समान हो जाता है। हम लोग कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तब ऐसे थिकनिंग का नाम बदल दिए और हम अब हम लोग इसका नाम रखे स्पाइरल थिकनिंग। क्या नाम रखे इसका हम लोग, अब स्पाइरल थिकनिंग। तो अब जो थिकनिंग हो गया, तो देखते जाओ थिकनिंग का लेवल बढ़ रहा है, और नेचुरली जब थिकनिंग का लेवल बढ़ रहा होगा तो पाइप की मजबूती स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है, और जब स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है मतलब ये क्लियर हो गया कि ये वाटर के कंडक्शन में ज्यादा से ज्यादा फोर्स के साथ ये काम कर रहा होगा। तो पहले सिंपल थिकनिंग को जब एक ट्रैकेट के अंदर के वॉल की थिकनिंग की बात करना शुरू किए तो सबसे सिंपल थिकनिंग होती है रिंग लाइक थिकनिंग, जगह जगह पे हो जाए, इसको कहते हैं एनुलर थिकनिंग। एनुलर थिकनिंग में लिग्निन का डिपोजिशन दिख रहा है। लेकिन दूसरी थिकनिंग होती है स्पाइरल थिकनिंग। ये देखो ये रिंग लाइक थिकनिंग थी, इनको जोड़ दिए, यहां से यहां जोड़ दिए, यहां से यहां जोड़ दिए, अगर ऐसी थिकनिंग दिख रही है तो इसका नाम हमने रखा स्पाइरल थिकनिंग। क्या नाम रखा इसका, स्पाइरली अरेंज्ड थिकनिंग है। ये पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा और मजबूत बना दिया पाइप को। ऐसा थिकनिंग प्रोटोजाइलम के ट्रैकेट्स में पाया जाता है। ये दोनों जो थिकनिंग हम लोग दिखा रहे हैं ना, ये कहाँ मिलेगा, ये प्रोटोजाइलम में पाया जाएगा। प्रोटोजाइलम के मिलने वाले ट्रैकेट्स में ऐसी ही थिकनिंग पाई जाएगी। लेकिन
अगर हम इन दोनों थिकनिंगों को अब हम लोग कंपेयर करते हैं, थर्ड काइंड ऑफ थिकनिंग का नाम हमने रखा स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग। स्कैलरीफॉर्म का मतलब होता है सीढ़ी नुमा लैडर के समान। अब क्या हुआ, सोचो जरा, इनर वॉल से लिग्निन का डिपोजिशन स्ट्राइप में है, कहीं पे थोड़ा है, कहीं पे ज्यादा है, फिर कहीं पे थोड़ा है, कहीं पे ज्यादा है, तो ये ऑलमोस्ट देखने में सीढ़ी के समान दिख रहा है। अब इसके कंपैरिजन में ये थिकनिंग और ज्यादा है, और लुक वाइज ये लैडर लाइक है और स्पाइरल है, लैडर लाइक है। तो हम लोग इसका नाम क्या रखे, इसका नाम हम लोग रखे स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग। जब ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर में दिखने लगा, हम लोगों ने इसका नाम रखा स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग। तो अब तक तीन तरह के थिकनिंग को हम लोगों ने देखा। पहले थिकनिंग का नाम रखा है एनुलर थिकनिंग, दूसरे थिकनिंग का नाम रखा है स्पाइरल थिकनिंग, तीसरे में ये लैडर के समान डिपोजिशन होता जा रहा है लिग्निन का। ऐसे डिपोजिशन के चलते ये इन दोनों के कंप्रेशन में और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और अब हम लोग इसका नाम रखे इस स्कैलरीफॉर्म थिकनिंग। मेटाजाइलम में ये थिकनिंग की शुरुआत होगी, क्योंकि मेटाजाइलम में ज्यादा से ज्यादा वाटर इसको कैरी करना है, इसलिए ऐसी थिकनिंग से शुरुआत होती है। और इससे भी ज्यादा हम लोग कहते हैं जाली नुमा पूरे अंदर में, जहां तहां पूरे नेटवर्किंग के समान थिकनिंग दिखाई दे रही है, नेट के समान, जाली के समान पूरी थिकनिंग दिखाई दे रही है पूरे अंदर में, तब इसको हम लोग कहते हैं नेट लाइक। और हम लोग नेट लाइक स्ट्रक्चर के लिए बायोलॉजिकली जो टर्म यूज करते हैं वो है रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट थिकनिंग इससे भी ज्यादा मजबूत हो गई, लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है ट्रैकेट्स में, और ट्रैकेट के स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैकेट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और इससे भी ज्यादा अब हम लोग कहते हैं पीटेड टाइप। पीटेड टाइप को समझना है, बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ रहे हैं। पिट का मतलब होता है गड्ढा, और हम लोग कह रहे हैं थिकनिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं थिकनिंग और कह रहे हैं गड्ढा टाइप का थिकनिंग, पीटेड टाइप। पिट शब्द का मतलब गड्ढा, सड़क पे चलते हैं जगह जगह पे गड्ढा दिख जाता है, तो उस गड्ढे को कहेंगे पिट्स, है ना, उस गड्ढे का क्या नाम रखेंगे, पिट्स। अब देखो पिट्स दो तरह से बन सकता है, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी फिर डिस्कशन कर रहे हैं। पिट्स दो तरह से बन सकता है, एक थाली ले लो, इस थाली पे, है ना, मम्मी को देखते होंगे घर पे आटा मारते हुए, मम्मी आटा निकाल ली और बीच में से आटा निकाल ली, है ना, आटा पहले तो थाली भी निकाली और फिर बीच में गड्ढा कर दी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये जो गड्ढा बना आटे के डिपोजिशन के चलते बना ना, ये गड्ढा कैसे बना, आटे का डिपोजिशन चारों तरफ हो गया, बीच में वो आटा नहीं है, तो ये गड्ढा बना बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। आप समझो इसको अच्छी तरह से, जब हम लोग डिपोजिशन, पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, नॉर्मली गड्ढा हम लोग सोचते हैं गड्ढा डिपोजिशन से कैसे बनेगा, तो इसको समझना है। हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे, पैर के ऊपर में बालू रखते थे और धीरे से पैर को निकाल लेते थे और कहते थे मेरा घर बन गया, तो वो जो गड्ढा बना पैर के निकालने से, तो वो कैसे बना, बालू के डिपोजिशन को एक जगह पे जहां पे नहीं रखे वहां पे गड्ढा दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पिट्स। यहां भी क्या हुआ, इन चारों तरफ में चीजों का डिपोजिशन हो गया है, इस जगह को छोड़ के, है ना, इस जगह को, एक गड्ढे को, कुछ कुछ जगह को छोड़ के चारों तरफ भर गया है लिग्निन। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग लिग्निन का डिपोजिशन चारों तरफ दिखा रहे हैं, समझ लो ये पूरे तरफ क्या है, लिग्निन है, सिर्फ ये जो व्हाइट दिखा रहे हैं इस जगह पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ, तो जिस जगह पे डिपोजिशन नहीं हुआ वो पिट्स कहला रहा है। तो ये पूरी तरह से डिपोजिटेड हो गया चारों तरफ से, इसीलिए ये सबसे बड़ा थिकनेस का कारण बना, और ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब पीटेड टाइप में टर्म क्या लिखेंगे, अनथिकेंड एरिया, अनथिकेंड सर्कुलर, वो एरिया जहां पे थिकनिंग नहीं है उसी का नाम दिया गया पिट्स। बाकी चारों तरफ क्या है, बाकी चारों तरफ लिग्निन का मटेरियल का डिपोजिशन हो गया। तो पीटेड टाइप का थिकनिंग सबसे बेस्ट थिकनिंग माना जाता है, सबसे स्ट्रांग थिकनिंग माना जाता है, जो सपोर्ट कर रहा होता है, ये मैक्सिमम सपोर्ट करने का काम करता है। अब हम लोग इस पिटेड टाइप में दो टर्म लिखते हैं, एक लिखते हैं सिंपल पिट और दूसरा लिखते हैं बॉर्डर पिट। अब पिट में भी दो तरह की बात हो गई, एक
सिंपल पिट्स और दूसरा बॉर्डर पिट्स। बॉर्डर पिट्स को समझो और सिंपल पिट्स को समझो। हमने कहा कि एक केक हम लोग बना रहे हैं, है ना, और केक के बीच में एक गड्ढा है, ठीक है। अब सोचो केक में ग्लास रखे थे, उस ग्लास को बाद में निकाल लिए, अब एक गोल केक है, ये जो गड्ढा दिख रहा है ये सिंपल पिट्स हो गया, लेकिन उस गड्ढे के माउथ पे हम लोग क्या किए, सुगर का एक सॉल्यूशन ऊपर से गोल गोल करके उसको सुंदर बनाने के लिए उस गड्ढे के माउथ पे डाल दिए। तो अब ये डिपोजिशन के चलते एक बॉर्डर दिख रहा था ना तुमको कलरफुल, ये बॉर्डर पिट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो कहेंगे जब पिट्स का फॉर्मेशन होता है तो पिट्स के माउथ पे अगर एक्स्ट्रा मटेरियल का डिपोजिशन हो जाए, ये देखो एक्स्ट्रा मटेरियल का डिपोजिशन दिखा रहे हैं, तब इस पिट्स को कहते हैं बॉर्डर पिट्स। अब डिपोजिशन बॉर्डर पिट्स का जो हुआ ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया किसको, ट्रैकिट्स को। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग थिकनिंग पढ़े, तो सबसे सिंपल थिकनिंग कौन सा था, सबसे सिंपल थिकनिंग था एनुलर या रिंग लाइक फैशन में हम लोगों ने लिग्निन का डिपोजिशन किया। लेकिन अगर रिंग लाइक में आपस में जोड़ते चले गए तो ये देखने में स्पाइरल हो गया और ये हेलिक्स के समान स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, इसको कहे स्पाइरल थिकनिंग। ऐसा दोनों थिकनिंग एनुलर और स्पाइरल प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड्स में पाया जाता है। लेकिन थिकनिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है, थिकनिंग में थर्ड थाइट थिकनिंग का नाम दी स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। स्केलरी फॉर्म थिकनिंग का मतलब हो गया लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन ए लैडर लाइक मैनर, दिखा रहे हैं लिग्निन का डिपोजिशन दिखा रहे हैं लैडर लाइक मैनर में, है ना, तब इसको हम लोग कहते हैं स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। और जब ये जाली नुमा चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देगा तब इसको कहेंगे रेटिकुलेट थिकनिंग। और जब फाइनली गड्ढा दिखने लगे, इतना डिपोजिशन हो जाए जगह जगह को छोड़ के, तो उस जगह का नाम देंगे पिट्स। और पिट्स सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड पिट्स भी हो सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको समझना था और थिकनिंग के बारे में जानना था। तो कहां पे, मेटाजाइलम में स्केलरीफॉर्म रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग मिलेगा, जबकि प्रोटोजाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रैकिड में दो सिंपल टाइप का थिकनिंग मिलेगा जिसका नाम हमने कहा एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग। ठीक, जो टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में बताया हम लोग, इसका नाम है स्टीली। स्टीली एक एक्स्ट्रा टॉपिक है हम लोगों के सिलेबस में, आज के डेट में ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, है ना। तो आप बोलोगे कि सिर्फ महेश सर फिर आप इसको क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि कुछ कंसेप्शन हमें बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को जानना जरूरी होता है जब हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो वो बॉटनी का पार्ट है। और अगर हम अननोन है, नहीं जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको कहीं ना कहीं से हार्म करेगा। तो हम लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि इससे आज के डेट में मेडिकल में क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन कभी ना कभी ये किसी ना किसी स्टेट का, किसी भी स्टेट का हम लोग कहते हैं सिलेबस का पार्ट रहा था। और अगर 2007 के पहले के क्वेश्चंस को देखें तो स्टीली से क्वेश्चन आया करता था, स्टीली के पोर्शन से क्वेश्चन आया करता था। 2007 के बाद से जो ट्रेंड क्वेश्चंस का चेंज होना शुरू हुआ, ये पैटर्न जो चेंज हो रहा था उसमें एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू किया गया, और उस समय से धीरे धीरे ये पोर्शन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आया। तो हम लोग ये कहते हैं, तो इसीलिए स्टीली को हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल हम भी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे आपको। ऐसा नहीं है कि हम इसका पूरा टाइप बता रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल का बता रहे हैं, ऐसा नहीं, हम सिर्फ एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इतना जानना तो जरूरी है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टीली, स्टीली किसको कहते हैं। हम लोग क्या किए, एक प्लांट का ऐसे पोर्शन बनाए एनाटॉमिकल और ये सेंट्रल पोर्शन बना दिए, बाहर वाला एपिडर्मिस और अंदर वाला एंडोडर्मिस, बीच में कॉर्टिकल सेल था। एंडोडर्मिस के अंदर अब जितने भी सेल्स थे, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल, पिथ, है ना, ये सारे पोर्शन को हम लोग नाम दे दिए स्टीली। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, स्टीली इज अ पार्ट, और हम लोग कहते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज स्टीली। सेंट्रल पोर्शन किसको इंक्लूड करना है, किसको छोड़ना है, ये मेडिकल में आज भी आ सकता है, किस पोर्शन को छोड़ना है, स्टीली में किसको इंक्लूड करेंगे। तो वो डायग्राम फिर से निकालो, डायकॉट के स्टेम का, मोनोकॉट के स्टेम का, नहीं मोनोकॉट के, डायकॉट के स्टेम के बाद मोनोकॉट के रूट का, वो तीनों एग्जाम्पल में देखो, तुमको एंडोडर्मल सेल दिखाई दे रहा है। वो डायग्राम को अभी अभी निकालो, तुरंत देखो उसको, बैक करो, है ना,
और बैक करके फिर से उसको हमने कहा कि जब भी ये हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, डायग्राम सारे कॉपी में बनाओ, देख देख के कॉपी में बनाओ, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। तो वो जो एंडोडर्मल सेल दिख रहा था, उसके अंदर के सारे सेल को एक साथ एक नाम दे दिए, और वो नाम था, क्या नाम था वो, उसका नाम हमने दिया स्टीली। तो स्टीली इज द सेंट्रल सिस्टम ऑफ द प्लांट, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज स्टीली। लेकिन कहां से कहां तक? एंडोडर्मल सेल के अंदर। इसका मतलब पेरिसाइकिल इसका पार्ट है, इसका मतलब वैस्कुलर बंडल इसका पार्ट है, इसका मतलब सेंट्रल पोर्शन पिथ भी इसका पार्ट है। तो स्टीली कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकिल, दूसरा उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे थे, वैस्कुलर बंडल, जाइलम या फ्लोएम अलग अलग हो या एक साथ हो, वैस्कुलर बंडल, और सेंट्रल लोकेटेड पिथ हो या ना हो। तो ये सारे पोर्शन को मिला के क्या कह दिया हम लोग, स्टीली। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो ये जब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं ना, याद करो, इस डायग्राम में हम लोग बनाते थे एंडोडर्मल सेल, ये दिखाते थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना, ये बाहर वाले का नाम रखते थे, इसके बीच में स्टेम था तो हाइपोडर्मल सेल बनाते थे, और फिर एंडोडर्मल सेल बना देते थे। एंडोडर्मल सेल के बाद अब अंदर में जितना भी पोर्शन है ना, ये यहां से शुरू किए हम लोग, ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं ये था पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल, फिर हम लोग बना दिए वैस्कुलर बंडल, फिर बना दिए पिथ। ये सारा वैस्कुलर बंडल है ना, पिथ, ये सब किसका पार्ट है? तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, दे आर पार्ट ऑफ स्टीली, स्टीली का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? तो स्टीली कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आज भी आ सकता है, बहुत प्रिवेलेंट है। हमने टाइप ऑफ स्टीली के बारे में बताया कि टाइप ऑफ स्टीली आज के डेट में प्रिवेलेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कभी ना कभी आया करता था। तो हम लोग एक कॉन्सेप्शन के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टीली, स्टीली कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन को स्टीली नाम दिया गया। किस पोर्शन को? सेंट्रल पोर्शन को, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टीली कहां से स्टार्ट होगा? तो एंडोडर्मल सेल के अंदर, ये वाला पोर्शन एंडोडर्मल सेल है, और इसके अंदर जो सेल है वो पेरिसाइकिल है। तो पेरिसाइकिल से स्टार्ट करेंगे, वैस्कुलर बंडल, पिथ, पिथ रेज, ये सारे टिश्यू को मिला के हमने नाम दे दिया स्टीली। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, व्हाट इज स्टीली, स्टीली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पोर्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ इफ प्रेजेंट और इफ नॉट प्रेजेंट, दोनों बात हो सकती है। किसी किसी प्लांट में हमने क्या देखा था, मोनोकॉट रूट और डायकॉट के स्टेम में हमने पिथ देखा था। जब पिथ प्रेजेंट होता है, हम लोग ऐसे स्टीली को क्या कहते हैं, साइफोनो स्टीली। साइफन मतलब क्या होता है, साइफन मतलब एक पैसेज, है ना साइफन सिस्टम देखते हैं, पानी में एक ट्यूब डाल देते हैं, पानी ऊपर चला आता है, हम लोग कहते हैं साइफन एक्शन। तो वो साइफन का मतलब एक बीच में पैसेज, पिथ को एक पैसेज माना गया। हालांकि ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, लेकिन पिथ के प्रेजेंस को एक पैसेज माना गया, और हम लोग इसके जब ये मिलता है तब जो स्टीली होता है उसको कहते हैं साइफोनो स्टीली। इसका मतलब क्लियर हो गया। लेकिन पिथ नहीं भी मिलता है, तो जब नहीं मिलता है तब उस स्टीली का नाम देंगे प्रोटो स्टीली। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव स्टीली है। सबसे पहले इवोल्यूशन में, जब इवोल्यूशन हो रहा था, यही स्टीली अपीयर हुआ था। कौन सा स्टीली? प्रोटो स्टीली पहले आया था, है ना। और प्रोटो स्टीली, इसका मतलब ये सेंट्रल पोर्शन में क्या है, पूरा का पूरा ये सॉलिड पोर्शन है, कोई पिथ नहीं है, तो कहते हैं इसको सॉलिड स्टीली और मोनो स्टीली। इसमें क्या नहीं मिल रहा है, तो दिस इज एन पोर्शन विच इज डिवॉइड ऑफ पिथ, इसमें पिथ नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको सॉलिड स्टीली का नाम दिया गया, क्योंकि स्टीली के इस पोर्शन में पिथ में पेरेन्काइमेटस टिश्यू नहीं है, पिथ के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया, पिथ का एरिया है ही नहीं। तो अब इसमें जाइलम है, फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, इसके बेसिस पे कुछ नाम, हम लोग सिर्फ कुछ नाम डिस्कस कर रहे हैं, पूरे टाइप को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा टाइप हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट, अगर ये सॉलिड है, मतलब अगर बीच में पिथ नहीं है, तो पहला टाइप है हेप्लोस्टेली। हेप्लोस्टेली किसको कहते हैं, हमने एक डायग्राम बनाया, बीच में एक्स लिख दिए और बाहर में पी लिख दिए, इसका मतलब
यहां पे सेंट्रली लोकेटेड कोई पिथ नहीं था, जाइलम और फ्लोएम था, लेकिन कैसा, जाइलम इज सराउंडेड है ना बाय लेयर ऑफ फ्लोएम, जाइलम बीच में है और चारों तरफ से फ्लोएम है, सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फ्लोएम। ऐसा कहां मिला, एक प्रिमिटिव प्लांट राइनिया में मिल रहा है ना, एक प्रिमिटिव प्लांट है, इवोल्यूशन में अभी ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि प्रोटोस्टिली इवोल्यूशन में पहले आया, बाद में साइफोनोस्टिली आया। और इवोल्यूशन में अगर प्लांट ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा, फिर टेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म आया। तो ये राइनिया एक ओल्ड प्लांट है, ओल्ड प्लांट का मतलब जो इवोल्यूशन में पहले आया था और उसमें हैप्लोस्टिली मिल रहा था। अब यही जाइलम में अगर कुछ कटिंग हो गई और देखने में ये स्टार के समान हो गया, तो इसका नाम हमने चेंज किया। क्या नाम रखा हमने इसका, इसका नाम हमने कर दिया एक्टिनोस्टीली। क्या नाम रखा हमने इसका, एक्टिनोस्टीली। एक्टिनो मतलब होता है व्हेन जाइलम इज स्टार शेप्ड, वी कॉल इट एक्टिनोस्टीली। तो जब जाइलम में कटिंग हो गई, अब तो पहले गोल था, अब इसमें कुछ कुछ कटिंग हो गई और ये स्टार शेप में दिखने लगा। जब ये स्टार शेप में दिख रहा है बच्चों, तब इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे एक्टिनोस्टीली, एक्टिनोस्टीली कहेंगे। और ये किस शेप में दिख रहा था, हमने कहा कि ये स्टार शेप में दिख रहा था। अगर मेरे जगह मोदी जी होते तो क्या कहते, मित्रों जब जाइलम स्टार शेप में दिखने लगे, क्या कहते वो, मित्रों जब जाइलम स्टार शेप में दिखने लगे तो इसको एक्टिनोस्टीली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्टिनोस्टीली कहते हैं। दो स्टीली हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन कौन, पहले स्टीली का नाम हमने रखा हैप्लोस्टीली। क्या नाम रखा, हैप्लोस्टीली। क्या बताया मैंने, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, बीच में जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम है, और पिथ नहीं है, इसीलिए बीच के पोर्शन को सॉलिड चीजों से भरा हुआ मानेंगे और कहेंगे सॉलिड स्टीली है ये, है ना। और इसी का टाइप हम लोग देख रहे थे, मतलब इसमें पिथ नहीं मिल रहा था, उसका पहला टाइप देखे हैप्लोस्टीली। अब आज सोचो कि जाइलम टुकड़े में, ये जब कटिंग हो रहा था ना स्टार शेप, ज्यादा कटिंग हो गया, एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा ऐसे कटिंग हो गया, तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में जाइलम कन्वर्ट हो गया। जब जाइलम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड देयर इज नो पिथ, तो हम लोग इसका नाम रखेंगे प्लेक्टो, मतलब होता प्लेट लाइक स्टीली, है ना, प्लेक्टो, है ना, ये टर्म हो गया, इसका मतलब होता है प्लेट लाइक। हम लोग कहते हैं प्लेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के बड़े बड़े प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, जिससे भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, तो प्लेक्टो शब्द का मतलब याद रखना, प्लेक्टो मतलब प्लेट लाइक। तो जब प्लेट लाइक जाइलम दिखता हो, हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्लेक्टोस्टीली। तो जाइलम इज डिवाइडेड इनटू पैचेस, टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया इनटू पैचेस, और फिर ये भी एक प्रिमिटिव प्लांट है, सिलोटम लिखते पी से हैं, पी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, साइलेंट है, टर्म है सिलोटम। तो ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे। अब हम लोग कहते हैं अगर इसमें पिथ मिलने लगता तो उसका नाम क्या करते, नाम रख देते साइफोनोस्टीली, बीच में पिथ है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, पिथ सेंट्रली लोकेटेड होता। अब इसमें बाहर क्या है, पिथ है और बाहर क्या है और अंदर क्या है, इक्टोफ्लोइक। अब जाइलम और फ्लोएम कैसा, जब ये साइफोनोस्टीली है, इक्टो मतलब आउटसाइड, फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटसाइड, फ्लोइक वर्ड में फ्लोएम से मिलता जुलता ये शब्द है ना, तो फ्लोएम आउटसाइड, इक्टो मतलब आउटसाइड, जब फ्लोएम आउटसाइड हो मतलब जाइलम के बाहर हो, जाइलम अंदर हो, फ्लोएम बाहर हो, इसको कहेंगे इक्टोफ्लोइक। इसका एग्जाम्पल हमने दिया ऑस्म्यूंडा, ये एग्जाम्पल सब पहले एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन आज के डेट में ये कंसर्न नहीं है तुम्हारे लिए, एग्जाम्पल के रूप में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें अब ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये सिलेबस का पार्ट आज के डेट में नहीं है, बट जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। फिर हम लोग आते हैं एम्फीबोलिक, एम्फी मतलब बोथ साइड, व्हेन जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या दिख रहा हो, फ्लोएम दिख रहा हो, हम लोग इसको कहते हैं एम्फीबोलिक काइंड ऑफ स्टीली। तो इसी साइफोनोस्टीली के टाइप को देख रहे हैं, साइफोनोस्टीली दो तरह का दिखा, एम्फीबोलिक एंड हम लोग क्या कहे, इक्टोबोलिक। एम्फीबोलिक का जो एग्जाम्पल हमने लिखा
वो है एडियंटम, है ना, इसको कहते हैं वॉकिंग फर्न, फर्न टेडोफाइटा का टाइप है, ये वॉकिंग फर्न है, यहां पे लगा दोगे कुछ दिनों के बाद यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, ये पत्ते से नए नए प्लांट में डेवलप कर रहा था, इसका नाम रखे हम लोग। दूसरा एक प्लांट है मार्सिलिया एक्वेटिक टेडोफाइटा है, पानी में मिलने वाला प्लांट है। तो इन सभी में हम लोग कैसे क्या कहते हैं, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, तो ये एडियंटम इसका कॉमन एग्जाम्पल हो गया। तो ये हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखे जिस टॉपिक का नाम था टाइप ऑफ स्टीली, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, फिर भी हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की इसमें जरूरत नहीं थी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी और वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया। तो अब हम लोग आएंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल टॉपिक ऑफ एनाटॉमी है, जिसको समझना बहुत मजेदार होगा और वो पूरी कहानी पे बेस्ड होगा। उस अगले टॉपिक का नाम होगा सेकेंडरी ग्रोथ। जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात कहेंगे तो सोचना हम लोग मोटे हो रहे हैं, प्लांट मोटा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट के स्टेम में पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। कौन सा पार्ट हमारे सिलेबस का है, तो डाइकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हमको देखना है, और डाइकॉट के अलावे रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ के कंसेप्शन को समझना है। और फिर ऑलमोस्ट हम लोग अब एंड पे आ गए हैं, एनाटॉमी के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, अंतिम चरण पे हैं, अंतिम पड़ाव में हैं। सेकेंडरी ग्रोथ समझने के बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, कुछ हम लोग कह सकते हैं ये दो दो पांच पांच मिनट के टॉपिक्स हैं जो हमको और ज्यादा समझना है, और इस तरह से हमारा एनाटॉमी का पोर्शन समाप्त हो जाएगा।